गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, कहिए जनाब क्या हाल चाल है, फिट है, एनर्जेटिक है, क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम क्या कहेंगे फातिमा? वेलकम 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 जी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और उम्मीद करते हैं कि आप सबका दिन जो है वो बहुत ही मुस्कुराता हुआ गुजरेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आज भी हमेशा की तरह बहुत ही डाइवर्स राइजिंग पाकिस्तान का एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बर्थडे है, और उनकी सोच उनकी फिक्र को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको मनाने के लिए हमने राइजिंग पाकिस्तान में एक स्पेशल सेगमेंट रखा है। आप भी हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ। इकबाल की शायरी, उनकी नसर, उनकी फारसी का कलाम, उनका उर्दू का कलाम, उसके हवाले से कोई भी आप समझते हैं कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आप 03088936949 पे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मोर देन वेलकम। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि उनको अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आप शाहिद मसूद साहब से, जो कि एक स्कॉलर हैं, शायर हैं, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल पे उनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च है, जो आज हमारे मेन मेहमान हैं, उनसे भी कोई इकबाल की शायरी और फिक्र और सोच के एतबार से कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। मिसाल के तौर पे मैं जब छोटा सा था और पीटीवी के ऊपर या रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हम जो प्रोग्राम फातिमा सुना और देखा करते थे, तो हम कहते थे कि जी पाकिस्तान का ख्वाब इकबाल ने देखा जी, और साथ वो पीटीवी पे ऐसे करके, नहीं आसिफ उधर इशारा ना करो, अब कट तुम्हारे पे ही होगा, ऐसे करके आसिफ शाह का कैमरा कट करें जी, ये ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, एक सिग्नेचर पिक्चर है जी इकबाल के, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल, उसको जब हम देखते थे मैं छोटा सा, तो मैं आपको पता अपने अबू से क्या कहता था जी, कि ये अल्लामा इकबाल ये ऐसे उन्होंने ख्वाब देखा था, सो ऐसे सो रहे, छोटा सा बच्चा था मैं, कुछ 6-7 साल का, तो ऐसे में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके बारे में सोचिए कि जो जागते हुए ख्वाब देखे जाते हैं ना, जैसे कि इकबाल ने देखा, उनकी ताबीर होती है। जो सोते हुए ख्वाब देखते हैं उसके बहुत से माहिरीन कहते हैं जी ताबीर ये है, ताबीर वो है। जो इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था वो सोते हुए नहीं देखा था साथियों, वो जागते हुए देखा था, और एक जागती हुई कौम का ख्वाब देखा था। इस हवाले से तफसील से, और उनकी फारसी शायरी और फारसी कलाम के हवाले से तफसील से शाहिद मसूद साहब से बात होगी कुछ ही देर में राइजिंग पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, इसके अलावा अगर हम कहें कि आज के राइजिंग पाकिस्तान में क्या है, तो आज के राइजिंग पाकिस्तान में हमें जो है ज्वाइन करेंगे काशिफ। काशिफ शहजाद कौन है? काशिफ जो है हमारे फिटनेस ट्रेनर हैं, और जब काशिफ आते हैं तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके हमेशा हमें काशिफ जवाब देते हैं, और आज का जो उनका जो सारा सेगमेंट है वो आप ही के दो जो क्वेश्चन थे उनके ऊपर उन्होंने प्लान किया है। हमसे लास्ट वीक कहा गया था कि जी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी फीमेल मेंबर्स को, एक ने कहा था कि जब मैं स्टेयर्स चढ़ती हूँ तब भी मुझे प्रॉब्लम आती है, किसी को सोते हुए प्रॉब्लम आती है, तो आज काशिफ ने अपना पूरा सेगमेंट आप लोगों के लिए सजाया है। जिनको लोअर बैक की शिकायत हैं आज वो ये सेगमेंट काशिफ का ज़रूर देखें। इसके अलावा अब्दुल्ला मेरे क्लास फेलो आज आ रहे हैं, और अब्दुल्ला आप सभी को मालूम है कि जो भारत में खेला जा रहा है वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप क्रिकेट का, मेंस वर्ल्ड कप, उसके अंदर से चुनते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनकी बैक स्टोरी बड़ी जबरदस्त होती है, और आज भी तीन खिलाड़ी वो लेके आएंगे। एक तो बैक स्टोरी तो है नहीं है, मतलब वो पिछले 3 दिन से वही स्टोरी मैक्सवेल की चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की एक यादगार परफॉर्मेंस, ऑस्ट्रेलिया के भी लेकिन मैक्सवेल की खासतौर पर, कमिंस की यादगार परफॉर्मेंस, जिसपे हमने कल राइजिंग पाकिस्तान में एक स्पेशल एपिसोड किया था। लेकिन आज क्योंकि अब्दुल्ला का सेगमेंट है तो उन्होंने कहा कि जी दो तो मैं कर रहा हूँ, तौसीक अंकल आपकी फरमाइश पे एक और कर लूं। एक और कौन? मैक्सवेल। मैंने मैक्सवेल की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में आपको पता है कि अब्दुल्ला सजा के लाते हैं अपना सेगमेंट, एंड आई एम सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी इसके अलावा आज के राइजिंग पाकिस्तान में हमें ज्वाइन करेंगे हमारे डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट फाहद मलिक, और फाहद का जो आज का टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा डील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें व्हाट्सएप के ऊपर जो है डिफरेंट जो है लिंक्स आ रहे होते हैं। अब वो लिंक्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स ने भी भेजे होते हैं और उनको भी नहीं पता होता कि इसमें क्या है, और कुछ फेक लिंक्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे लिंक्स आ जाते हैं जिससे हमारे डिफरेंट जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के वो हैक हो जाते हैं। अब कौन सा लिंक को क्लिक करना है और कौन सा लिंक को नहीं क्लिक करना है, ये आज हमें फहद बताएंगे, और इसके अलावा फिशिंग क्या है ये भी आज हम जानेंगे फहद से।
फिशिंग तो मुझे पता है क्या है, क्या है? नहीं हाँ, वो कांटा डालें दरिया में, ये वाली फिशिंग तो मुझे और आपको पता और है, ये मछलियां पकड़े, जी जी, ये कोई फहद की फिशिंग है। अच्छा, ये सोशल मीडिया डिजिटल दुनिया की फिशिंग है, जिसके बारे में आज हमें फहद बताएंगे कि इस फिशिंग में इसमें मछलियां होती है या इसमें मगरमच्छ भी होते हैं। अब ये तो वो बताएंगे कुछ देर में, पता चलेगा। ऑलराइट जनाब, लेकिन स्क्रीन पे आवेजा है हमारा मोबाइल व्हाट्सएप का नंबर, जिस पे आप कॉल करके फहद भाई से कोई सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछे। 0308-893-6949 है हमारा नंबर, इस पे आप कॉल करके फहद मलिक से डिजिटल सिक्योरिटी, डिजिटल दुनिया, उसके अंदर कैसे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस हवाले से कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछिए। अल्लाह करे उठ गया हो फहद। मुझे लगता है उठ गए होंगे। हाँ, ये उस ब्रीड में से है, उस कॉम में से है जो रात को 2 बजे सोती है और सुबह 11 बजे उठती है। उसको जिस दिन उसका सेगमेंट हो सुबह उठाना पूरी राइजिंग पाकिस्तान की टीम के लिए एक मुहिम होती है। हमारे प्रोड्यूसर्स, कोऑर्डिनेटर से लेकर फातिमा खुद फोन करी होती है। पिछली दफा फातिमा ने फहद की अम्मी को फोन किया, आंटी जरा फहद को उठा दें, मतलब इतना प्रोटोकॉल आज तक हमने किसी को नहीं दिया उठाने में जितना फहद मलिक को देना पड़ा। बस कर दें फहद, अब आपको आ जाना चाहिए। अच्छा जी, और क्या है? और जी डेफिनेटली इन लोगों का सेगमेंट यानी हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट जो है, आप लोगों के बगैर जो है, उस सेगमेंट के बगैर जो है ना, राइजिंग पाकिस्तान थोड़ा अधूरा सा हमें लग रहा होता है। बिल्कुल जी, आप लोगों की तस्वीर और आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो हमें ज़रूर मिलने चाहिए, क्योंकि हमारा एक पूरा सेगमेंट है जो आपका सेगमेंट है, तो फिर उसमें आमना क्या करेगी, आमना और उसकी भी टीम फारिग बैठ जाएगी ना, तो आपने जरा जल्दी से सिलसिला शुरू कर दें मैसेजेस का। जी हाँ बिल्कुल, ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान जो फातिमा में और हमारी टीम आपके लिए सजा के लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्रिकेट खेल रहे हैं हम राइजिंग पाकिस्तान में आजकल, इसलिए कि पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। एमबीए और अब्दुल्ला, इन दोनों का सेगमेंट आजकल राइजिंग पाकिस्तान की जो रेटिंग है, हमारी व्यूअरशिप उसमें टॉप ऑफ द चार्ट्स जा रहा है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था और राइजिंग पाकिस्तान को हम रीओरियंट कर रहे थे और हमारी जो मीटिंग थी उसके अंदर बैठ के तुमने ये आइडिया दिया था कि मैं ये करना चाहता हूँ तौसीफ अंकल, उस वक्त तुम्हें अंदाजा था कि इसकी इतनी अच्छी व्यूअरशिप चली जाएगी? सर अंदाजा नहीं था, लेकिन थैंक यू सब व्यूअर्स का कि वो इतना प्यार दे रहे हैं। आई होप कि मैं वो सब डिजर्व करता हूँ, लेकिन मेहनत कर रहे हैं हम लोग बस। अच्छा, शोहरत तुम्हारे दिमाग पे चढ़ ना जाए, तुम्हारी अम्मा जो है बड़ी परेशान है, कह रही है अगले 1-2 साल के अंदर अब्दुल्ला के कह गए जी इस लड़की से मैंने शादी करनी है। सर नहीं, क्योंकि नहीं, जो तुम्हें अब तुम्हारे फेसबुक पे सुना, उन्होंने अपनी विजिलेंस रख ली, वो कहती मुझे भी पासवर्ड चाहिए इसका। अच्छा, इंस्टाग्राम का नहीं, ऐसा तो दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी। आजकल के बच्चे हैं तौसीफ सर, इनके पास सब रास्ते हैं, दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी। लो भाई चलो जी, अब भाभी जी आप तो बस, अब आप कोई और इंतजाम सोचे बच्चे का, ये तो दूसरी आईडी बना लेगा। अच्छा जी, क्या सीन है आज? सर सीन धमाकेदार सीन है, क्योंकि जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ता जा रहा है ना, प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता जोश में आते जा रहे हैं, और सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगा वो हम सब के फखर जमान की बात है। सर क्या उन्होंने इनिंग्स खेली है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और इनकी स्टोरी भी बड़ी ज़बरदस्त है कि ये केपीके में पैदा हुए थे, उसके बाद अपनी मैट्रिक के बाद ये अपनी फैमिली के साथ कराची में आए, और इनका जो लाइफ लॉन्ग पैशन था वो क्रिकेट ही था, लेकिन इनके फादर चाहते थे कि ये अपनी एकेडमिक्स को पे ज़्यादा फोकस करें, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद ये नेवी के अंदर एक सेलर के तौर पे इन्होंने ज्वाइन किया नेवी को, लेकिन वहाँ पे ये पाकिस्तान नेवी को और पाकिस्तान नेवी का जो डिपार्टमेंट था उसकी तरफ से ये क्रिकेट भी खेला करते थे। अच्छा, और उसी क्रिकेट में इनके कोचेज ने इनको कहा कि यार तुम तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हो, तो इसको फुल टाइम परसू क्यों नहीं करते। और 2013 से ऑनवर्ड्स इन्होंने अपनी क्रिकेट को प्रोफेशनली परस्यू करना शुरू किया फुल टाइम। उसके बाद 2-3 साल की मेहनत के बाद 2016 में जो कायदे आज़म ट्रॉफी होती है और जो जितने भी हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, काफ़ी रन्स किए, वहाँ से ये PSL के दूसरे एडिशन में सेलेक्ट हुए फॉर लाहौर कलंदर्स, और वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के आपको पता है प्लेयर्स आते हैं, सब लोग आते हैं, वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद ये 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुए, और सिलेक्ट होते साथ ही पहला मैच इनको खेलने के लिए नहीं मिला, अपने डेब्यू मैच में इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक बड़ी अच्छी तेज़ इनिंग्स खेली
और वहां से इन्होंने एक मोमेंटम पकड़ा जो कि फाइनल में जाकर जो चैंपियंस ट्रॉफी का यादगार फाइनल है वो हमें भूल नहीं सकता, क्योंकि वहां पे इन्होंने जो सेंचुरी स्कोर की थी दैट वाज अमेजिंग। और इवन इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि वेट अ मिनट वेट अ मिनट वेट अ मिनट, ये कौन है, ये किधर से सीन ऑन हो गया है ना सर। जो मुझे अभी तक एक एक शॉट याद है, आई एम श्योर आप लोगों को भी याद होगी कि वो जिस तरह की उन्होंने पहले वो थोड़ा सा आउट हो गए थे, नो बॉल निकली और उसके बाद जो उन्होंने वहां से मोमेंटम पकड़ा जी, उन्होंने मैच एक साइड पे लगा दिया। एग्जैक्टली मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह 90s में जो लोग थे उनको वसीम अकरम की दो बॉलें नहीं भूल सकती और जो मेरी जनरेशन है उसको फखर जमान की इनिंग्स नहीं भूल सकती और हमारी जनरेशन को शारजा का छक्का जावेद मियादाद का नहीं भूल सकता। एग्जैक्टली देखो तो हर नस्ल के अपने इमोशनल अटैचमेंट मेमोरी होती है खास तौर और पे। और फखर जमान ने अभी एक और कारनामा किया कि पाकिस्तान जब मुश्किल हालात में थी, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकती थी और न्यूजीलैंड ने 400 मार दिया था, ये आए और उन्होंने क्या एक इनिंग्स खेली है, सेंचुरी मारी है, ये छक्के वो चौके, इमरान नजीर का जो रिकॉर्ड था उसको भी इन्होंने किया है। और उसकी जो सबसे ज़बरदस्त बात है कि पोस्ट मैच इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि अगर बारिश होती तो बारिश ना होती तो क्या आप चेस कर पाते, पाकिस्तान ने 200 किया, 200 प्लस पे ही हम जीत गए, बाबर आजम ने कहा कि हम ये चेस कर सकते थे, तो उन्होंने कहा हम चेस कर सकते नहीं थे, हमने चेस करना था। एग्जैक्टली तो बारिश ने बचाया न्यूजीलैंड को। एग्जैक्टली और ये मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत बात है और फखर जमान की इस बात से साथियों हमने ये सीखना है कि जिंदगी के अंदर ये तो खेल क्रिकेट है ना, लेकिन हमारा जो जिंदगी का खेल है उसके अंदर भी अगर आप ये अप्रोच रखेंगे कि मैं ये कर सकती हूँ या ये मैं कर सकता हूँ, इसका अलग असर है, इसका अलग नतीजा है। और अगर आपकी ये अप्रोच हो फातिमा कि मुझे ये करना है, नहीं ये मैं कर लूंगी, करना है नहीं, ये मैं कर जाऊंगी, ये मैं कर लूंगी, ये मैं कर गुजरूंगा, इसका एक अलग नतीजा है और ये हमें फखर जमान ने सिखाया। बिल्कुल ऐसा उन्होंने, स्पेशली इनकी पीछे से फॉर्म जो थी थोड़ी खराब चल रही थी, लेकिन इन्होंने एकदम जब टीम को जरूरत पड़ी, और ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि जैसे ही टीम को जरूरत पड़ती है तो इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। नहीं, मैं टोटली डिसएग्री विद यू, मैं कहता हूं शुक्र है मेहरबान आ गया, कोई तूने देर नहीं की जिगर, कोई मसला नहीं। केन विलियमसन है, ठीक है जी, और ये हम दोनों के तो फेवरेट हैं ही, ये पूरी दुनिया के फेवरेट है, ना सिर्फ अपनी क्रिकेट के लिए बल्कि अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए भी। ये हमें अगर कोई ने अपसेट भी होता है, सेट बैक भी होता है, तो ये कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करते जिससे स्पिरिट ऑफ द गेम अफेक्ट हो या कोई ऐसा बयान नहीं देते, बिल्कुल कभी भी नहीं। अगर हार भी जाते हैं तो विद अ स्माइल आते हैं और एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमेशा दिखाते हैं। इनकी जो सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही मेहनती प्लेयर हैं, इनके जो जूनियर लेवल से क्रिकेट खेल रहे हैं और इनके एक जूनियर लेवल की कोच ने इनके बारे में कहा है कि ये हमेशा से बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते थे, इनमें एक हंगर ऑफ रन्स थी, लेकिन कभी भी अपने दूसरे प्लेयर्स की एक्सपेंस पे वो नहीं करते थे। इनफैक्ट इनका एक है भी कि उन्होंने कहा था कि ये हमेशा दूसरे प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते हैं अपनी टीम के लिए, और जो भी इन्हें रोल दिया जाए भले उसमें कंफर्टेबल हो ना हो ये उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक। और इनके जो इसी सेक्रीफाइस और इसी एटीट्यूड की वजह से इनको न्यूजीलैंड का कैप्टन भी बनाया गया आफ्टर बैस मैकलम, और इन्होंने जो न्यूजीलैंड को क्रिकेट को एक जो जिस तरफ लेके गए 2019 में उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल खेला, और क्या फाइनल था और वो क्या आखिरी सुपर ओवर था, क्या सुपर ओवर था, और वो भी हारने के बाद, हालांकि बहुत बड़ा सेटबैक होता है। अक्सर हमने टीम्स को देखा है कि इस लेवल पे हारने के बाद प्लेयर्स रो पड़ते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं, इससे बड़ा कंट्रोवर्शियल पे फर्क आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसी के साथ इतना प्रिटेंड करो या कुछ हो, तो लेकिन कंट्रोवर्शियल एंडिंग थी उस मैच की और वर्ल्ड कप का फाइनल, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से इन्होंने आकर कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है हम हार गए, इंग्लैंड जीत गया, इंग्लैंड को कांग्रेचुलेशन दिया, और इस स्पिरिट का जो मुजाहरा किया वो दूसरे प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम स्पिरिट ऑफ द गेम पे भी बहुत ज्यादा बात हो रही है, कुछ एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए, बांग्लादेश श्रीलंका का जो मैच था उसके बाद केबल हसन के हवाले से, आई थिंक केन विलियमसन उसकी एक ऐसी एग्जांपल है कि आप अपनी मेहनत कीजिए, आप दूसरे जगह को छोड़ दीजिए कि क्या रिजल्ट्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, आप अपने पे फोकस करें, अपनी गेम खेलें,
अपने आप को परफेक्ट करें। और अब्दुल्ला मेरा ख्याल है फिर वही जो हम बात कर रहे हैं कि ये मिसाल हम सब के लिए आम जिंदगी के हवाले से exactly. कि आपकी लाइफ की अपनी वैल्यूज क्या है, बिल्कुल आपने दूसरे को उड़ंगी दे के गिरा के आगे बढ़ना है या आपने अपने बलबूते पे आगे अपनी ग्रोथ पे वर्क हमें दिस इज योर अपनी कि अगर आप मतलब इस चक्कर में कि अच्छा उसने क्या कहा था, उसने उसको क्या फोन करके कहा, अच्छा वो ये क्या, तो मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है और कौन आगे निकल गया मुझसे कौन पीछे रह गया। इस तरह करने से मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपके रिजल्ट्स भी आपकी फेवर में आते हैं। रिजल्ट्स तभी आपकी फेवर में आते हैं जब आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हैं। अगर हम विलियमसन का भी देखें तो ये 2019 वर्ल्ड कप हारे लेकिन उसके बाद 2021 की जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप थी वो ये जीते भी, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि इनको रिजल्ट्स नहीं मिले, इनको एक ICC इवेंट जीतने का मौका मिला, इन्होंने जीता। और यही वजह है कि इन्होंने ना अपने प्लेयर्स को ना खुद इन्होंने ब्लेम गेम नहीं खेली और अपनी गेम पे फोकस किया। जैसे कि अब्दुल्ला ने साथ ही आपको बताया कि विलियमसन जो है वो मेरे और अब्दुल्ला के इस वर्ल्ड कप के फेवरेट प्लेयर्स में से भी हैं और फेवरेट प्लेयर भी हैं। लेकिन आज जो मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के, जिसमें बारिश की बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन की जा रही है, उसके अंदर मेरा और अब्दुल्ला का टोटल बायस है। हम तो जानते नहीं विलियमसन कौन है, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते भाई कौन है तू, क्या भाई नहीं, आज तो तू बल्कि मतलब बारिश होती रही, हम बारिश को जानते हैं बस, हम बस बारिश को जानते हैं आज के मैच में, हम सिर्फ बारिश को जानते हैं या हम इस बात को जानते हैं कि कौन जीते फातिमा, श्रीलंका जीत जाए। अच्छा ओके, श्रीलंका जीत जाए और इंग्लैंड हार जाए। नहीं 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 जी, न्यूजीलैंड जीत जाए। अच्छा न्यूजीलैंड, एक्सक्यूज मी, जी न्यूजीलैंड हार जाए। अच्छा वाह, ठीक है न्यूजीलैंड हार जाए और इससे किसको फायदा होगा, किस टीम को? जाहिर है जी किसको, हमें हो जाएगा ना, हाँ मतलब पाकिस्तान को। देखिए मेरी बात सुने, थोड़ी सी थोड़ा सा तो इंसान अपने लिए भी सोचता है ना। अच्छा हाँ, कभी कभी तो सोचने की हमेशा देनी होती चाहिए ना, कभी कभार कुर्बानी लेनी भी होती है। हाँ जी लेनी, एक बहुत ही टेक्निकली साउंड प्लेयर है केन विलियमसन, और इनकी अगर टेक्निक पे ज्यादा क्रिटिसिज्म करने की कोशिश की भी जाए तो नहीं हो सकता, ढूंढ नहीं सकते आप, ढूंढ नहीं सकते। लेकिन अब एक ऐसे प्लेयर पे जाते हैं जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत होता है लेकिन हाँ। उसने रिसेंटली अपने सारे क्रिटिक्स को ना ऐसा चुप कराया कि क्या ही बात है। ग्लेन मैक्सवेल की बात कर रहा हूं मैं जी। इनके ऊपर शुरू में क्रिटिसिज्म ये था कि बहुत ही तेज क्रिकेट खेलते हैं, रिस्क वाली क्रिकेट खेलते हैं और शॉट्स भी अगर आप देखें तो रिवर्स स्वीप और स्विच हिट्स जो ये मारते हैं उसके ऊपर आउट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत से लोग बात भी करते थे कि इस तरह की क्रिकेट खेलना बहुत ही मुश्किल काम है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है जब बॉलर बॉल डालता है तो सिर्फ एक कुछ स्प्लिट सेकंड्स का टाइम होता है बैट्समैन के लिए, लेकिन इनके जो रिफ्लेक्सेस हैं इतने तेज हैं। और उसकी वजह ये भी है कि ये मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं ग्लेन मैक्सवेल, ये कोई एक स्पोर्ट नहीं खेलते, ये फुटबॉल भी खेलते हैं, ये गोल्फ भी खेलते हैं, ये स्विमिंग भी करते हैं, जिस वजह से इतने हाइपर रिफ्लेक्सेस हैं। और अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने देखा कि वो रिफ्लेक्सेस कितने इनके काम आए, जब इनकी कुछ शॉट है तो इनके ऐसे लग रहा था वैसे गोल्फ की शॉट से, है ना, बिल्कुल वो पांव वहीं खड़ा हुआ है और आपने अपनी स्टिक से वो गेंद बाहर, वो जो इनकी टांग में जो एक इंजरी हुई थी उसने इन्हें इसीलिए अफेक्ट नहीं किया क्योंकि इनके बाजुओं में इतनी ताकत है, इनके बाकी की बॉडी में इतने अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं कि इनको इंजरी से भी इतना फर्क नहीं पड़ा और इन्होंने खड़े खड़े छक्के मारे और जो रिकॉर्ड्स का इन्होंने ढेर लगाया है, मैं कहूंगा कि 200 रन पहली बार एक नंबर 6 के बैट्समैन ने किए हैं। जी हाँ बिल्कुल, और उसके बाद जो मीम्स बन रहे हैं इस वक्त वो जो मैक्सवेल की मैं तो उसको एंजॉय करता हूँ। आज मैं बहुत लेट इसलिए भी सोया कि मैं मैक्सवेल के ऊपर जो लोगों ने वीडियोस बनाई हैं और उस कमेंट्री के ऊपर इट इज ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा मीम्स बन रही हैं। और वही ना मैं कह रहा हूँ कि इतने रिकॉर्ड्स बनाए, पहली बार सबसे हाईएस्ट 8th विकेट स्टैंड बना, 200 रन पहली बार किसी ऑस्ट्रेलियन ने बनाए। आई एम स्पीचलेस, जिस तरह की उन्होंने शॉट्स खेली है ना, आई डोंट थिंक इनको टेक्स्ट बुक के थ्रू डिफाइन किया जा सकता है। जो आई थिंक स्पेशली आपने देखा जो इंजरी थी और जिस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलियन टीम फंसी हुई थी, आई थिंक कमाल की मेंटल टफनेस दिखाई है इन्होंने। एब्सोल्युटली अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजे का सेगमेंट तुम्हारा। और आज अब्दुल्ला के फरमाइश पे मैक्सवेल को भी हमने शामिल किया, इसलिए कि हर कोई उन्हीं की बात कर रहा है। और मेरे ख्याल क्रिकेट की हिस्ट्री, लोग कह रहे हैं वनडे इंटरनेशनल्स की ऐसी यादगार परफॉर्मेंस तारीख में लिखी जाएगी, और लिखना रकम करना मुश्किल है कोई और परफॉर्मेंस, लेकिन हम तो ये भी कहते हैं कि पूरे क्रिकेट की हिस्ट्री की ऐसी परफॉर्मेंस शायद ना कभी क्रिकेट की दुनिया ने देखी ना देखेगी। अब्दुल्ला ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ट्रेनर काशिफ
और कुछ लोअर बैक की बात होगी, आप भी तैयार हो जाएं, इसलिए कि लोअर बैक में चुक पै जाए ना, आय हाय हाय, तो ये जितने बाल शाल जो तौसीक अंकल बना के आते ना, जो कमीजें शमीजें सब पीछे रह जाती है, लोअर बैक की, फिर ऐसे मैक्सवेल की तरह हम भी ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके मैं बैठता हूं ऐसे। और आपकी भी कुछ ऐसी जिंदगी होती है जब चुक पड़ जाए, इसका हल बताएंगे ट्रेनर काशिफ इस ब्रेक के बाद।